1 अप्रैल 1963 में स्थापित भारत की प्रमुख संगठन जो भ्रष्टाचार और अन्य गंभीर अपराधों के मामलों की जांच करने के लिए अधिकारियों का एक संगठन है और विशेष अधिकारों के अंतर्गत कार्यवाही करता है। ये संगठन भारतीय संविधान के तहत काम करता है जिसे भ्रष्टाचार और अन्य गंभीर अपराधों के खिलाफ मामला दायर करने का अधिकार है। इस संगठन का मुख्य काम राष्ट्रीय सुरक्षा और गवर्नेंस में सुधार है। तो ज्यादा देर न करते हुए बताते इस संगठन का नाम। इस संगठन का नाम है CBI यानी सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन। यह संगठन भ्रष्टाचार, नकदी लेन देन, धार्मिक और आर्थिक उपहार, जालसाजी, आतंकवाद और राजस्व संबंधी अपराधों की जांच करने में कुशल है। ऐसे मामलों में जांच करने वाले अधिकारी पेशेवर और प्रतिष्ठित के साथ साथ होशियार और जाबाज भी होते हैं। इस वीडियो में आज हम बात करेंगे 5 ऐसे CBI ऑफिसर्स की जिन्होंने अपने काम से खूब नाम कमाया और आपराधिक मामलों में अपराधियों की ईंट से ईंट बजा दी। सबसे पहले बात करेंगे जोगिंदर सिंह की। जोगिंदर सिंह एक IPS अधिकारी थे। बाद में साल 1996 से 1997 तक केंद्रीय जांच ब्यूरो या कहें कि CBI के डायरेक्टर के रूप में काम किया। उन्होंने बोफोर्स घोटाले, हवाला मामले और चारा घोटाले सहित कई हाई प्रोफाइल जांचों का योगदान दिया है। दूसरे नंबर पर बात करेंगे CBI ऑफिसर विजय शंकर की। विजय शंकर ने सन 1999 से 2001 तक CBI के निदेशक के रूप में काम किया। अपने पूरे कार्यकाल के दौरान उन्होंने राजीव गांधी हत्याकांड और इंडियन बैंक धोखाधड़ी जैसे बड़े मामलों की जांच की निगरानी की। इनकी अगुवाई में CBI ने अदालती मामलों में योग्यता और विश्वसनीयता को बढ़ाया है। तीसरे नंबर पर हम बात करेंगे अश्विनी कुमार की। 2008 से 2010 तक CBI के डायरेक्टर के रूप में काम किया। उनके कार्यकाल के दौरान उन्होंने कई विशेष जांचों में अहम भूमिका निभाई। इनमें से 2 मुख्य जांच शामिल थी, 2G स्पेक्ट्रम घोटाला और सत्यम घोटाला। उन्होंने 2G स्पेक्ट्रम घोटाले में राजनीतिक और व्यापारिक लापरवाही के मामलों में गहन जांच की जिसमें कई प्रमुख लोगों को आरोपी के रूप में उजागर किया। साथ ही उन्होंने सत्यम घोटाले में भ्रष्टाचार के मामलों की जांच की जिसमें कंपनी के बड़े अधिकारियों को आरोपी के रूप में दिखाया। इनकी अगुवाई में CBI ने अदालती मामलों को संचालित करके भ्रष्टाचार के खिलाफ सख्त कार्रवाई की। CBI के जाबाज और काबिल अफसरों की लिस्ट में अगला नाम है रंजीत सिन्हा का। इन्होंने भी साल 2012 से 2014 तक CBI के डायरेक्टर के रूप में काम किया। उन्होंने अपने कार्यकाल के दौरान कोयला आवंटन घोटाला और व्यापम घोटाले जैसी जांचों का निरीक्षण किया और आरोपियों के नाम उजागर करने में मदद करी। लास्ट में बात करेंगे आलोक वर्मा की। आलोक वर्मा ने 2017 से 2019 तक CBI के डायरेक्टर के रूप में काम किया। उनकी अगुवाई में एजेंसी ने अहम कामों का निर्देशन किया। उन्होंने नीरव मोदी और मेहुल चौकसी जैसे व्यापारियों से जुड़े पंजाब नेशनल बैंक घोटाले जैसे मामलों की जांच और निगरानी की। इन मामलों में भ्रष्टाचार के आरोप थे। उनका योगदान CBI की संघर्ष और आपराधिक न्याय के लिए महत्वपूर्ण था। तो ये थे 5 CBI ऑफिसर्स जिनके कामों के चर्चे अभी भी लोगों की जुबान से नहीं उतरते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, क्राइम तक।